नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस बिहार लौट चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार के विकास पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं से बात हुई, साथ सूबे में चल रही विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर 10 फरवरी को दिल्ली गए हुए थे। उसके बाद अरे हंडी का किसका भाई आज राष्ट्रपति जी से मिलना था, लेकिन सुबह ही उनका फोन आ गया और बातचीत हो गई। इसी कारण से उनको आज सब लोगों से बातचीत ब्रेक करा दिया। अरे हंडी किसका कब गए हैं? उसकी रात गृहमंत्री जी अमित शाह जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सब लोगों से बातचीत हुई, और जितना दिन हम जितना देर रहे उतना देर सब लोग आते रहे, सब लोगों से बातचीत करते रहे, पार्टी के लोग। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को देर शाम बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने गौ पूजन किया, उसके बाद कमल बाग चौक के स्वयंसेवक संघ के नवनिर्मित उत्तर बिहार प्रांतीय कार्यालय में पहुंचकर कार्यालय का जायजा लिया। वहीं शनिवार को भागवत प्रांतीय कार्यालय में अलग अलग विभागों के 4 बैठकों में भी शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं, क्या क्या वहां पर करने वाले हैं वो, किन बैठकों में शामिल होंगे और किन बातों पर चर्चा होगी? जी, देर शाम को संघ प्रमुख मोहन भागवत जी यहां मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद कार्यालय का तो जायजा इन्होंने लिया है जो नवनिर्मित कार्यालय है। इसके बाद संघ के कई लोगों से जो यहाँ के प्रांत के संचालक हैं, प्रांत के जो अध्यक्ष हैं और बाकी जो अलग अलग चीजें से आए हैं, उन लोगों के साथ जो है संघ के विस्तार किए जाने पर और संघ से संबंधित जो कुछ प्लान बनाए गए हैं उस पर वो परिचर्चा करेंगे। इसके साथ ही वो अपने अगले दिन यानी कल जो है यहाँ से मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर औराई में एक जैविक कृषि से संबंधित जानकारी लेने के लिए निकलेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आरएसएस प्रमुख मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने ट्वीट के माध्यम से सीए नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्हें महान कुर्सीवादी नेता बताया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि बिहार के महान कुर्सीवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल 18 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, यौन शोषण, आर्म्स एक्ट, चोरी, जालसाजी, धोखेबाज जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या इतने भोले भाले मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? दरअसल पीएम मोदी से मुलाकात कर पटना लौटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने इसे लेकर सवाल किया तो सीएम नीतीश ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार से कहा कि ये मामला आप लोग देखें और ऐसी जानकारी मिले तो उन्हें भी बताएं। आप लोग तो देखिए किस पर क्या मामला है, वो तो पूरा देखिए, कोई लिख होकर के आया है, हमने नहीं देखा है। सर, अगर ऐसी बात होगी तो हमको भी जरा बताइएगा, सब हमको भी जानकारी। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। प्रशासन ने उनके बक्सर स्थित घर की 4 दीवारी को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन की यह कार्रवाई अधिग्रहण के चलते की है। फिलहाल प्रशांत किशोर की तरफ से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।